ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ खंबे तो तार जा गल का जवाब दो सर क्या लीगल है सर एक मिनट कर लिया की मतलब है मैं तो ना कुछ शाम के खिलाफ गल कर रहा हूँ अज असी मौजूद हाँ गुरु मेहर इनकलेव के बाहर ए ओ मीटर है जिहड़ा कि पक्का कनैक्शन पुड्डा अप्रूव्ड कलोनी दे विच लगा दिता गया सर ये मीटर इस तरह इत्थे लग सकदा नहीं लग सकदा की कानून की कहिंदा कानून कहिंदा जी जिन्नी देर तक पुड्डा दे जो अप्रूव्ड कीता गया पुड्डा वल्लों ओ उस मुताबक नक्शे मुताबक ट्रांसफर रखे जाने प्राइवेट फिर उन्होंने पास किया जाता है फिर उन्होंने महकमा कहता भी जे बिल्कुल ठीक है वो तो बाद स्केच मुताबक इन्होंने रखे है तो फिर जाके इन बिजली मिलनी होंगी परमानेंट तार जी जोड़ी गई है। हाँ जी राजकुमार जी कि खंबे तो तार है खंबे तो जी मैं कैमरामैन कहूंगा भी एक बार दोबारा तो खंबा दिखा जिथों की इस मीटर नू थ्री फेज की सप्लाई दी गई गैर कानूनी नजायज ढंग दे नाल और बाद विच एक मीटर भी इत्थे ट्रांसफार्मर भी इत्थे लगा दिता गया जबकि इत्थे ट्रांसफार्मर का कोई पहले प्रोविजन नहीं सी और अगर ट्रांसफार्मर लगने सी ओ भी प्राइवेटली पुड्डा अप्रूव्ड कलोनी च जिहड़े बिल्डर कॉलोनाइजर ने उन्हां वल्लों लाए जाने सी इन्होंने कोई टैंपरेरी मीटर नहीं लगाया इन्होंने ये लगाया इन्होंने ट्यूबवैल की बिजली नू मिसयूज किया ट्यूबवैल की बिजली नू किस तरह मिसयूज कर दिता गया सर ट्यूबवैल की बिजली नू किस तरह मिसयूज कर दिता गया इस मीटर नू केबल पा के चालू किया गया मतलब जिथे ट्यूबवैल लगा सीगा अंदर उत्थों 250 मीटर केबल पा के बाहर पोल ते टंग दिता गया दोस्तों ये वो जगह है जिथे पहले ट्यूबवैल लगा होया सी और जदों कोलोनाइजर ने जगह खरीदी ये ट्यूबवैल का जिहड़ा कनैक्शन सी उन्हों नजायज ढंग दे नाल बाहर शिफ्ट कर दिता गया और यह जिहड़ी जगह है ये टोटल हुण खाली हो गई है। दोस्तों इस वेले असीं मौजूद हैगे आ गुरमेहर एनक्लेव के अंदर जिदे बारे कि असीं पहले भी तुहानूं दस्या सीगा भी इत्थे शिकायत कीती गई सी शिकायतकर्ता वल्लों भी पावरकॉम दे भ्रष्ट अधिकारियां दे नाल मिल के इत्थे वड्डे लैवल दे उपर कपड़े कीते गए ने करीब दर्जन तो उपर कोठियां जिहड़ियां बन रहियां और इन्हां कोठियां दे विच जिहड़ी इक चीज साफ देखण नूं मिल रही है मैं चाहांगा भी उह तुसीं देखो इत्थे जिहड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिहड़ा इत्थे पानी जिहड़ा इत्थे कंस्ट्रक्शन वास्ते वरत्या जा रिहा है टुल्लू पंप लग्गिया होइआ है इह टुल्लू पंप दी जिहड़ी तार है ये तार जी इधर आ रही है असं इधर तुम दिखाना चाहते हैं एक होर टुल्लू पंप लगा हुआ है जिदे अगे तार एक पीले रंग की और दूजी तार है यह सीधी तारा जीडिया है यह खंबे के नाल एक काली तार आ रही है जिदे नाल ज्वाइंट किए हुए हैं प्लग भी तुम देख सकते है और यह जी तार है पिछों आ रही है किते भी कोई बिजली बोर्ड वालों टैंपरेरी मीटर नहीं लगाया गया जबकि यह नियम साफ है भी अगर कोई भी असी कंस्ट्रक्शन करनी है तो असी बिजली की अगर सप्लाई लैनी है तो सानू टैंपरेरी मीटर लवाना पैंदा है टैंपरेरी मीटर का जो खर्चा है घरेलू जो बिल आता उस लगभग दोगुना होता है वो टैंपरेरी मीटर पहले लगता है उस तो बाद जो पूरा घर बन जाता फिर पक्का मीटर लगता है पर इतने इदा की कोई चीज देखने नहीं मिली और असी यह देख सकते हैं भी इतने आले दुआले शोर भी आ रहा है कटर्स चल रहे हैं बड़ी तड़ातड़ इतने कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक नज़ारा तुम यहोजा शायद पहले नहीं देखा होगा भी एक तार खंबे के नाल आ रही है उतो मल्टीपल किनिया ही तारा गंगिया तारा देखो इतों जा रही साढ़े इतने कवरेज करते दौरान एक बंदा
तारा नु हुन उत्ते छेड़न पहुंच गया सी। किस लिए हटाई? यहां से बिजली की तार हमें आने के बाद क्यों हटाई? अभी तो आपने हटाई है, मेरे कैमरे में कैद है, मेरे कैमरे में कैद है। तो ये सारी सप्लाई बस यहीं से लगाते हैं, कुंडी जो ऐसी डली हुई है खंबे से, तो इसी में सब लोग बिजली लेके आते सब कोठियों में काम। सर ऐसा मैडी जेड़ा उसे एक मीटर स्टार्टिंग चल लगाया गया, वो कमर्शियल मीटर लगाया गया ना के टेम्परेचर। कमर्शियल मीटर वो थे तो ये नहीं सकते कुड़ा अप्रूव लो नीचे जिन्ही देर तक ये भी मंजूरी नहीं लाई जाती। तो ये कनेक्शन है इको मीटर तो है वो जायजा जमे जाय बिल्कुल नहीं जायजा। कमर्शियल मीटर तो सिर्फ दुकान च बत्ती चल सकती है ना के पिछे 25 गोठियां च बत्ती चल सकती है। एक उथे ट्यूबवेल का कनेक्शन लगा वो सारी कलोनी च घुमाया इन्होंने। ये जई जसपाल सिंह नानक चंद एसजीओ ते विंदरपाल सिंह एक्शन इन्हां सारियां दी हाजरी च होया जिहड़ा कमर्शियल मीटर लगाया गया वो बिल्कुल गलत लगाया गया। बिजली बोर्ड एक टेंपरेरी तो अलावा कोई एक तार नहीं दे सकता कमर्शियल या पक्के मीटर जिनी देर तक मंजूरी नहीं होती। जे कल मेसी अहीं जीप भर के भी आए सीगे ते उदों भी कुछ नहीं किया। मैं उत्थे रजत शर्मा डायरेक्टर है उन्होंने कंप्लेन की सी, उन्होंने डायरी नंबर लगा मेरे को, उतों एक्शन आया जी उन्होंने देखा पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और पोलों के उत्ते पी एस पी सी एल के नंबर है जो कि जो कलोनी के अंदर पोल लगना वे वो प्राइवेट होना चाहिए कोई नंबर महकमे का नहीं होना चाहिए। जोड़ा ट्रांसफॉर्मर हूँ 200 का रखा गया वो बिल्कुल गुरु मेहर इनकलेब के सामने रखिया क्योंकि असं जो भी गल ठंडी हो इतों कनैक्शन दे दी सारे मीटर एक बार अपलाई करके दे देंगे क्योंकि अंदरों अंदर इन्हों की मिली भगत हो ही है। असी गल करने गुलवार कलोनी की जिहड़ी कि मॉडल हाउस के पैंदी है बिजली डिपार्टमेंट की। असी गलबात करांगे इहो शख्स ने जिहड़ी गुलवार कलोनी की कंप्लेंट की आ। कंप्लेंट करन तो बाद उत्थे गए उत्थे बाहर मीटर लगा अंदर कुंडियां लगियां ट्रांसफॉर्म भी बाहर आ उहदे बारे सारे पुछांगे कंप्लेंट तो भी यह काम जायज़ आ जां नजायज़ आ उहदे बारे क्योंकि बिजली महकमे दे उहो पहला अधिकारी रह चुके आ हुण उहो रिटायर ने उन्होंने गुलबार कलोनी लई कंप्लेन कीती आ उन्हां तों पूरी गलबात करदे आ भी इन्हां बारे तुसीं की कहिंदे। सर इदा मैं जी जिहड़ा उत्थे एक मीटर स्टार्टिंग च लगाया गया वो कमर्शियल मीटर लगाया गया ना कि टैंपरेरी। कमर्शियल मीटर उत्थे दे नहीं सकते कुड्डा अप्रूव कलोनी च जिन्नी देर तक इहदी मंजूरी नहीं लई जांदी जां पटियाले तो जां फिर अपने ट्रांसफॉर्मर कलोनाइजर नहीं रखदा उहदी भी फिर बिजली बोर्ड तों मंजूरी लैणी पैंदी आ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 25 ਗੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਐਸਜੀਓ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਗੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆ 8 ਕਿਲੋ 62 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ 4 ਕਿਲੋ 62 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮੀਟਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ SDO ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਮਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ 39 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15-15 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ 20-20 ਸਾਲ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PSPCL ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁਣ 200 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ BBMB 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ PSPCL 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ BBMB 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਈ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚਲ ਗਿਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ BBMB ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਮਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰੂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਗਲਤ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ PSPCL ਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
पहला जो इतने मीटर लगा उदों ही गलत सी ये काम, क्योंकि अप्रूव्ड कॉलोनी असी तार भी नहीं पा सकते, एक किसी अफसर कोई पावर नहीं। पिछे दी लाइन दी गल कीती भी कंप्लीट कर दे, दर्शकां नाल कहना अद्ध च रह गई पूरी गल कर दे। एक पिछले पास्यों लैवन के भी आती सी जिहड़ा के पिछले पासे इस कलोनी दे पिछले पासे घरां दे विच्चों दी एक लैवन के भी बाहर निकलती सी, उत्थे तीन ट्रांसफार्मर पए आ उहदे नाल जुड़दी सी, ते इहदे अंदर बहुत शिफ्टिंगां सीगियां इस कलोनी दे अंदर, वह भी इन्होंने सारियां हटातियां। ये तो हुण रिकॉर्ड देख के पता लगेगा भी इन्होंने किदां हटाइया, पैसे जमा कराए के उदां ही खा गए। फिर एक इत्थे लिंक पाया गया जिहड़ा के परले पासे गुरमेन कलोनी दे परले पासे एक रूलर सप्लाई आंदी सी, इहनू 25-30 बोलां दा लिंक पा के इस कलोनी नूं फायदा देण वास्ते उहदे अगे लिया के ट्रांसफार्मर रख दिता, उन्हूं सारी दियोल नगर सप्लाई दे दी जदों कि उत्थे रूलर फीडर आ रहा सी। ये सारा इन्होंने मिली भगत नाल उन्हूं 20-25 बोलों का फायदा दिता कि वह 25 बोलों के पैसे जमा कराए गुरु मेरे कलोनी को दसन महकमा कटे भी जे आप दो नंबर च किया जो पैसे वे पाए है तो फिर क्यों नहीं दसते। ये वीडियो साड़ी कोशिश होनी है भगवंत मान तक पहुंचे कि आप दी सरकार है ईमानदार सरकार कह के लोगों नूं आई है। बिल्कुल मैं जो कह रहा बिल्कुल ठीक है, ये लाइन का लिंक इन्होंने पाया अगले पासे रूलर सप्लाई सी, मैं उत्थे काम करता रहा, मैनू सब पता है, मैं गलत गल नहीं कर रहा। रूलर सप्लाई नूं लिंक पा के उन्हू शहर की सप्लाई इस कलोनी नूं कनैक्शन देन वास्ते इन्होंने जो लिंक पा के उन्हू शहर की सप्लाई की, सप्लाई शहर की करके उत्थे एक ट्रांसफार्मर 200 का रख दिता गुरु मेयर इन कलोनी के अगे, उहदे उत्ते एक ट्यूबवैल का कनैक्शन लगाया। जिहड़ा उन्होंने मीटर बाहर लैके आपां जिहड़ा कमर्शियल मीटर है बाहर ला के अंदर कनैक्शन दे सकते हैं जां अंदरले बन्ने आपां नूं सब मीटर लाने चाहिए। मैं कहिंदा जी वह कमर्शियल मीटर ही गलत है, वह लगना नहीं सी चाहिए उत्थे। तुसीं एक दुकान ते मीटर लवाउंदे हो अपनी ते, चलो तुसी दुकान ते लवांदे हो, जायज होना चाहिए कमर्शियल, पर यह पुट्टा फ्रूट के कमर्शियल भी नहीं लगना चाहिए जिनी देर तक पटियाले तो उहदी ना मिलती मंजूरी, जां पुट्टा वाले अपने ट्रांसफार्मर पूरे उहदे स्केच मुताबक ट्रांसफार्मर रख दे, उस तो बाद इहनूं पक्का कनैक्शन मिलना सी। इन्होंने उत्थे 3-फेस कनैक्शन पक्का ही लाता जिहदा मैं अकाउंट नंबर विच दित्ता। थैंक यू जी, होर कुछ बोलना? इधर ही रखे कैमरा मेरे अंदर। एक उत्थे ट्यूबवैल का कनैक्शन लगा जिहड़ा कि पहला एक कोठी दे विच लगा सी, जिदा ट्यूबवैल लगे होंदे वह घट तो घट 400-500 मीटर से लगा, उन्होंने इन्होंने 10 बारी घुमाया कलोनी दे विच और सारा पानी कट कट के वेस्ट किया। जदों के जाइए इतने मौके पर आंदा रहा, SDO आंदा रहा, इन्होंने क्यों नहीं उस कनैक्शन को बंद कराया, उन्होंने क्यों बार बार घुमाते रहे उस कनैक्शन को? तो नक्शा पास भी करवाना पैंता, बहुत कुछ करवाना पता, एक किले चो दूजे किले जाना पता, उसका खेप नंबर सब कुछ देना पता। इन्होंने उन्होंने उस ट्यूबवैल कनैक्शन को 10 जगह पर घुमाया, कभी केबल इधर पा दे, हूँ इन्होंने 300 मीटर केबल पा के बार पोल से ला दिता ट्यूबवैल कनैक्शन, भी की इन्हों को राइट है उत्थे लाने का ट्यूबवैल कनैक्शन? पार्क के बिच भी सप्लाई देने का की हक है? पार्क से ट्यूबवैल लगा हुआ, पार्क के बिच इसे ट्यूबवैल की जरा बाहर कनैक्शन 400 मीटर पा के लाया वो सप्लाई उत्थे जाती है। एक कलोनी बन गई हूँ, हूँ पार्क का कनैक्शन नहीं हो सकता। एक होंगे गुलमार्ग वाले उन्होंने गल हुई सी चनी जी का, वह कहेंदे भी लोगों की भलाई लिए भी इतने जी सोसायटी आ हले बनी नहीं, वो हले कम चल रहा, वह करके भी असी ट्यूबवैल तो उन्होंने पानी दिता है। पानी देने का मतलब कहना भी अं भला किया? भला नहीं किया, अपनी कलोनी वसाई है, कलोनी डिवेलप करके उन्होंने बेचना सी, इन्होंने साडा महकमा नार लिया तद इन्होंने ये काम किया। जे साडा महकमा उस वेले तार कट के परे मारदा ट्यूबवैल
जो कैदे च चाहिए सी इन्होंने किया नहीं, गलती सारी बिजली बोर्ड की है। नाल पुड्डा प्रो भी जड़ा है उन्हें कोई एक कलोनी जड़ी आ जायज ठराई कि नहीं? पुड्डा प्रोडता उन्हें लाइसेंस नंबर दिता है, कला लाइसेंस नंबर ही है। चलो जो भी उन्हें दिता तो है ना, वो तो वह देखूगा की किया ठीक है ना। तो एक जड़ी लाइन खिंची गई वो गौर किया जाए, 25 फुलों की लाइन है, वो उत्ते भी पी एस पी सी एल के नंबर लगे है भी ये कितों इन्ना समान आया तो किदा ये काम हो गया। वो तो हले भी खंबे देखे हैं पी सी एल के सारे खंबे के उत्ते ना डेट डेट भी लिखी 30/10/2019। हाँ 2019 च दसो इतने यही सी जसपाल सिंह जी तो दविंदर पाल सिंह एस डी ओ नानक राम इन्हों उ हूँ कार्रवाई बनती है। एक तो जसपाल सिंह जई तो बनती है, रिटायरमेंट से बैठा है, इनू फिर भी माड़ी मोटा लिहाज नहीं आया भी महकमे के पैसों तो अपना ढिड पालना पिया वा, मैं इदा के काम ना करा। सीधे जसपाल सिंह बहुत गंभीर करप्शन दे लो। मैं बिल्कुल सही गल कह रहा, उन्हें पता है इस गल का, वो जिहड़ा इंजीनियर है उन्हें हर गल का पता है मैं गलत कर रहा, पर उपर उपर भी थोड़े जे हाथ सीगे इस करके उन्हें क्या करी जाओ मेल बंड के खंदे। हाँ मेल बंड के खंदे।